हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रफिक्स और सफिक्स के बारे में। उम्मीद है हम पहचान आपको बताते हैं फिक्स प्रफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। जैसे जो वर्ड्स पीछे लगे, ठीक है, जो वर्ड्स पीछे लगते हैं वो होता है सफिक्स, और जो वर्ड्स के पहले लगता है वो होता है प्रफिक्स। जैसा कि हम आपको पहला बताएंगे एग्जाम्पल लेस, लेस से हम कैसे सफिक्स बनाएंगे अब आपको बताएंगे, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शेम, शेम का मतलब सर, राइट। और जैसा कि शेम, आप सोचो यार शेम 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 शर्म, अब इसको अच्छा बेशर्म क्या होता है, आप सोचने वाली बात है, तो याद नहीं करना, आपको लेस लगा देना लास्ट में। जैसे शेमलेस, शेम का मतलब शर्म और शेमलेस का मतलब बेसर। आपने पढ़ा होगा वायर, वायर का मतलब होता है, जैसा आप देख रहे हो, वायर का मतलब तार, ठीक है, मीन्स वायर का मतलब तार। अब यहां पर आपने कर दिया वायरलेस, वायरलेस, लेस आपने ऐड कर दिया, तो फिर क्या हो गया वायरलेस, एक आगे ऐसा पीछे ऐड हो गया और एक आपका नया वर्ड बन गया वायरलेस, बिना तार, राइट। अब इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे वर्क, वर्क का मतलब काम या रोजगार, ठीक है, वर्क का मतलब काम या रोजगार। तो वर्क और आगे अब हम बात करते हैं, इसमें लेस लगा देंगे वर्कलेस, वर्कलेस मतलब बेरोजगार, बेकाम, राइट। तो इस तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैसे एग्जाम्पल आपको सेंटेंस बनाकर बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश में। जैसे मेरे घर में टमाटर नहीं है, अब सोचो मन में ये चल रहा, बहुत दिमाग लगता है, टमाटो इज नॉट इन माय होम, वगैरह 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 बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये नहीं करना है आपको, या देयर इज नो टमाटो इन माय होम, ये सब तो ये था, लेकिन हमें तो सेंटेंसेस को कंप्रेस करना सीखना है ना, तो हम बता सकते हैं माय होम इज टमाटो लेस, एक सेंटेंस बन गया ना, माय होम इज टमाटो लेस, मतलब मेरे घर में टमाटर नहीं है। अब हम बताएंगे जैसे दिस बुक इज आंसरलेस, यार ये बुक में तो आंसर है नहीं, तो बताएं, बहुत से लोग अब माइंड लगा रहे भाई देयर इज नो आंसर इन दिस बुक, तो होता तो है, लेकिन हमें सेंटेंस को कंप्रेस करना है, छोटा करना है, ठीक है, बड़े एज अ बड़े सेंटेंस को छोटे सेंटेंस में करके धमाल मचाना है, ओके। तो क्या बोल सकते हैं, दिस बुक इज आंसरलेस, दिस बुक इज आंसरलेस, ओके। अब मैंने फिर से देखा यहां पे, मैंने देखा एज आ, मैंने बिना बैटरी के फोन देखा, तो आयशा हो गया यहां पे, मैंने देखा बिना बैटरी के, तो विदाउट बैटरी, नो आयशा बैटरी लेस फोन, आयशा बैटरी लेस फोन, ये आपको आ जाएगा। अब मैं आपको देखिए, आप साइड में आपको दिख रहा है बहुत सारा एग्जांपल, इस तरीके से आप यहाँ पे बना लेंगे सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखिए लेकर आए हैं सफिक्स को, लास्ट में हम एल वाई लगाएंगे, एल वाई से कैसे सेंटेंस को एज अ वर्ड्स को हम एडिट करते हैं, आपको मजा आएगा अभी देखने में और समझ में भी आएगा। एलवाई का मतलब आप एक छोटा सा एग्जांपल के तरीके से मैं अगर बताऊं, तो एलवाई का मतलब से कर लो, चलो से, एलवाई का मतलब से, ठीक है, जहां पे एलवाई हो ऐड हो जाए उसका मतलब से होता है। जैसे स्वीट, अगर एक एग्जांपल आप देख रहे हो, जैसे स्वीट का मतलब मीठा, राइट, स्वीट का मतलब मीठा, अब स्वीट में एलवाई लगा दो, स्वीटली हो गया, तो मतलब मिठास से, राइट, एक बन गया ना यहाँ पे एल वाई लग गया और एक सेंटेंस आपका एक नया वर्ड फिर से जनरेट हो गया। अब फिर से इसमें देखो, जैसा कि यहाँ पे है फास्ट, फास्ट का मतलब तेज और फास्टली का मतलब तेजी से, राइट, फास्ट का मतलब तेज और फास्टली का मतलब तेजी से, एल वाई ही लग गया वो चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लो, स्लो होता है, स्लो का मतलब धीरे और स्लोली का मतलब धीरे धीरे से, राइट। आपको एग्जाम्पल सिखाता हूं मैं, एग्जाम्पल जैसे गुस्से से पूछा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, वह गुस्से से पूछा, तो ही आस्क्ड, पहला हो गया ही आस्क्ड, क्योंकि पास्ट है, तो ही आस्क्ड, अब गुस्से से सोचो यार, गुस्से से, ही आस्क्ड एंग्रीली, वह गुस्से से पूछा, राइट, ही आस्क्ड एंग्रीली। अब हम बात करते हैं जैसे कि वह बहादुरी से बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग, He was talking. अच्छा, बहादुर क्या होता है, बहादुर तो यहाँ ब्रेव होता है, बट एज अ और बहादुरी से तो यहाँ पे बोल्ड होता है, राइट, तो बोल्ड का मतलब होता है, बट बोल्ड का मतलब बहादुर, और यहाँ पे बोल्डली मतलब बहादुरी से, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे वह बहादुरी से बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग, जैसा कि आप देख रहे हो, ही वॉज टॉकिंग बोल्डली, ही वॉज टॉकिंग बोल्डली, वह बहादुरी से बात कर रहा था। अब हम बात करेंगे मैं तुम्हें बुरे तरीके से पीटूंगा, तो आई विल बीट यू, डेफिनेटली हुआ आई विल बीट यू, बट बुरे तरीके से, बेकार
तो बैड होता है, इसमें एल वाई लगा दो आप, बैडली हो गया, तो आई विल बीट यू बैडली, पीटूंगा कूटूंगा तुझे, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा दोस्त। तो आप यहाँ पे साइड में कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे हो, इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम दोस्त बात करते हैं नेक्स्ट, एज अभी अभी तो मैंने आपको बताया सफिक्स के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रफिक्स। प्रफिक्स का मतलब होता है विलोम, किसी सेंटेंस का अपोजिट बनाना, ठीक है। तो अपोजिट के लिए हमें प्रफिक्स करते हैं, जैसे कि अपोजिट बनाने के लिए एग्जाम्पल हम आपको अन लेते हैं, ठीक है। अन, जैसा कि अन का मतलब आप समझो, अन का मतलब होता है विलोम, राइट। इससे हम सेंटेंस को एज अ वर्ड्स को अपोजिट बनाते हैं। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ओपेंड, ओपेंड का मतलब होता है खुला, राइट। ओपेंड का मतलब खुला। आप सोचो यार, खुला होता है ओपेंड, लेकिन बंद क्लोज नो, ये सब नहीं करना, आप अन लगा दीजिए उसमें। जैसा कि आप सेकेंड साइड में, फर्स्ट साइड में आप देख रहे हो ओपेंड, उसमें अनओपेंड आप कर दीजिए, क्या जाता है बंद। अनओपेंड का मतलब बंद, क्लोज, तो आपको क्लोज कहने की आवश्यकता नहीं है। ओपेंड, और यहां पे आपने अनओपेंड कर दिया, एक आपका दूसरा वर्ड बन गया, राइट। अब हम फिर से देखेंगे, जैसे क्लीन्ड, किसी चीज को आपने कहा, क्लीन का मतलब होता है साफ, राइट। क्लीन्ड, क्लीन्ड आपने कहा, ओ यार क्लीन का मतलब साफ, लेकिन आप सोचा गंदा क्या होता है, बैड या फिर डर्टी, नो, आप यहां पे अनक्लीन बोल दीजिए, क्या जाता है आपका, फिर से वही वर्ड बन गया। तो ये होता है प्रफिक्स। अब हम बताएंगे आपको वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब अच्छा। तो यार खराब क्या होता है, बैड होता है, क्या होता है, क्या क्या क्या, अब मन में सोच रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे अनवेल कर दीजिए, क्या जाता है, अनवेल भी करने से आपका एक वर्ड बन गया, मतलब बुरा, राइट। इस कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहा मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा, मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा यार, आई विल नॉट ईट या आई विल नॉट टेक, आई विल नॉट टेक, लेकिन अब कच्चा खाना, कच्चा यार, अब मुझे पता, लेकिन बताऊंगा नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे आई विल नॉट टेक अनकुक, देखिए कुक भाई, अगर कच्चा का नहीं आता तो पक्का का तो आता है ना, पका हुआ खाना कुक्ड होता है ना, तो अनकुक्ड कर दीजिए आप यहाँ पे। तो जैसे आई विल नॉट टेक अनकुक्ड फूड, ये हो सकता है, ठीक, ये आपका बन गया प्रफिक्स। अब हम एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आप बिन बुलाए मेहमान हैं, ठीक है, तो यू आर एन अनइनवाइटेड, यू आर एन अनइनवाइटेड गेस्ट, आप बिन बुलाए मेहमान हैं, ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। देखिए कुछ आपको पेजेस पे दिख रहा है, इससे आप सेंटेंसेस बनाने का कोशिश भी करोगे तो आपको आएगा, ये पूरा उम्मीद है हमें, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उम्मीद है कि आपको ये प्रफिक्स और सफिक्स समझ में आया होगा।